हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं कहेंगे कि हमें क्षेत्रमिति में कोई प्रॉब्लम रह रही है। तो इस वीडियो में क्षेत्रमिति के कुछ शुरुआती टॉपिक से हम चर्चा करेंगे। आप सबको ये पता होगा कि क्षेत्रमिति में कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद करना एक मुश्किल हो जाता है, जो कि कभी भूल जाने पे मैथ बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए शुरुआती में हम यहाँ पे चतुर्भुज से शुरू करेंगे, जो कि चार भुजाओं के संग्रह से बनता है। ये सब बात सबको पता होगी। तो यहाँ पे चतुर्भुज की एक टॉपिक हम लेते हुए, चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उनकी फॉर्मूला हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए इसको हम आसानी से करें। तो चतुर्भुज में आप एक नाम और चतुर्भुज कहीं एक पार्ट आयत सुने होइएगा, और उसके बाद में चतुर्भुज की बात करें तो सम चतुर्भुज होता है। देखिए, सबको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ताकि कभी कभी ये होता है ना कि कन्फ्यूजन हो जाता है कि और कितने चतुर्भुज होंगे। ये सारे को पहले सामने रखने के बाद उसके बाद इसकी फॉर्मूला कैसे होती है ये सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सम चतुर्भुज हो गया, ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज होता है, और एक होता है समलंब, और एक चीज जो एक और खास होता है चतुर्भुज का ही, ये भी पार्ट है वर्ग। इसमें भी चार भुजा होती है। अब सबसे पहले की क्षेत्रमिति की इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमें क्वेश्चन में यदि किसी प्रकार की चतुर्भुज बोले तो उसका फिगर कैसा होता है, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं फिगर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आयत, आयत की फिगर कैसा होता है इसको समझ लेना पड़ता है। आयत का जो होता है कि दोनों तरफ की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे की बराबर होती है, ऐसा बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि दो चार भुजा जो होती है तो लंबाई के दोनों पार्ट बराबर होगी और चौड़ाई के दोनों पार्ट बराबर होगी। ये दोनों आमने सामने वाली जो भी है ये बराबर होगी एक दूसरे के, ठीक है। और वहीं इसी के साथ साथ वर्ग की बात कर ले, जो कि वर्ग आपको साइड में दिख रहा होगा। तो वर्ग में जो होता है इसकी चारों भुजा जो होती है ये चारों एक दूसरे की बराबर होती है, कुछ ऐसा होता है। यानी चारों भुजा ही बराबर होती है। मैं फिगर बहुत को पता है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि इसको आप एक रिवीजन के तौर पे ही कर ले, लेकिन फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आगे काम देगी। यहाँ पे सम चतुर्भुज की वही बात करें तो सम चतुर्भुज क्या होता है कि इसकी जो, इसमें भी चार भुजाएं होती है, लेकिन सम चतुर्भुज से पहले यहाँ समानांतर चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। देखिए, आयत की जैसा ही ये भी भुजा होती है, लेकिन इसकी आकृति जो होती है कुछ अलग ढंग की हो जाती है। ये देखिए, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। आयत की जैसा ही ये भी दोनों आमने सामने बराबर भुजा रहेगी, लेकिन आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी जिससे इसके क्षेत्रफल पे प्रभाव पड़ जाता है। इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं हो पाता है, आकृति थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। अब वही आया समानांतर चतुर्भुज के बाद अब सम चतुर्भुज की वही बात कर ले तो वो भी वर्ग की तरह ही होगी, चारों भुजा इसकी भी बराबर में होगी, लेकिन इसकी आकृति वही टेढ़ी हो जाएगी। देखिए, एक दूसरा से सबका संबंध कहीं ना कहीं है, यानी आयत से संबंध रख रहा है ये समानांतर चतुर्भुज, और वहीं वर्ग से संबंध ये रख रहा है आपको सम चतुर्भुज। देखिए, इसकी भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन आकृति थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए दोनों की सेम आपस की फॉर्मूला नहीं साथ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही समलंब चतुर्भुज, ये एकलौता बचता है, इसकी संबंध इनसे नहीं रहती है, और इसकी आकृति समलंब की कुछ ऐसी हो जाती है। देखिए, तो ये रहा आपके सामने ये चतुर्भुज की जो पांच प्रकार हैं वो सबकी आकृति आपके सामने आ गई है। एक बार इस आकृति को आप रिवीजन के तौर पर ले लें और फिर आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबकी क्षेत्रमत क्षेत्रफल से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये आयत की क्षेत्रफल से शुरू करते हैं, तो इस वाले पार्ट्स को लंबाई से जानते हैं और इसे चौड़ाई से, लंबाई को L से और चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, ये सब पता है।
तो यहाँ पे क्षेत्रफल को मान लीजिए ए से, हम एरिया को ए से इंडिकेट करते हैं, तो एरिया बराबर क्या होता है, तो इसकी एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई सब जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी क्षेत्रफल होती है, यानी कि होता है कि लंबाई और चौड़ाई को एक साथ मल्टीपल करने पे क्षेत्रफल वाला पार्ट क्या बोलते हैं, अभी समझने की, इसके अंदर के पूरे ये भाग की हमारी क्षेत्रफल निकल जाती है, और क्षेत्रफल वर्ग में होता है, यानी कि यदि हमारा मेजरमेंट सेंटीमीटर में हो या फिर मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर में, हमेशा ही क्षेत्रफल वर्ग में होता है, ये चीज़ को भी याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं ना कहीं ये भी कन्फ्यूज करता है। वहीं साथ ही साथ आयत की हम परिमिति की भी बात कर ले, परिमिति, परि मतलब होता है बाहर, तो इसके बाहर, मिति मतलब माप, तो परिमिति से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, हाँ, परिमिति, परि का मतलब हो गया बाहरी, मिति मतलब माप, तो इसके बाहरी माप को निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो बाहरी माप हो ही जाएगा ना, तो लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि इसमें चारों भुजा एक दूसरे की बराबर नहीं है, ऐसे भी एक एक करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट करने के लिए, जबकि ये दोनों लंबाई एक दूसरे के बराबर है और दोनों चौड़ाई एक दूसरे के बराबर है, यानी कि दोनों दो दो है, तो इसलिए दो कॉमन ले लेते हैं और लंबाई चौड़ाई को जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा परिमिति का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद डायरेक्ट अब इस पार आते हैं, देखिए आर पार से करके करते हैं, बीच वाला तो अपने आप हो जाएगा। अब इस पार देखेंगे तो वर्ग की बात है, तो वर्ग की वही लंबाई चौड़ाई एक, इसमें कुछ नहीं, चौड़ाई लंबाई सभी बराबर हैं, सारी भुजाएं ही बराबर है, तो इसकी सारी भुजाएं की यदि ए मानेंगे तो सब के सब ए हो जाएगा, जो भी मान लें, यदि चारों भुजा बराबर है। अब कहने का मतलब ये कि इसको यदि गुणा करते हैं तो यहाँ पे इसका नाम ही है वर्ग, इसको वर्ग कर देंगे, इसका क्षेत्रफल एरिया निकल जाएगा, इसके किसी एक भुजा का वर्ग कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए कहने का मतलब वर्ग में ये है कि इसमें भी यदि लंबाई चौड़ाई मान लीजिए, इसको लंबाई मान लीजिए, ये पार्ट को इसको चौड़ाई, लेकिन सब तो बराबर है, और दोनों को गुणा कीजिएगा, दोनों क्यों चूंकि बराबर है तो ए इंटू ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो ही जाएगा, इसलिए वर्ग होता है, ठीक है, दोनों पार्ट्स का वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी परिमिति की बात कर रहे तो वही परिमिति भी इसकी सेम वही होती है, परिमिति का फॉर्मूला, चार भुजाएं हैं, कहने का मतलब चारों को जोड़ देंगे तो हमारा ये किनारे का बाहरी का लंबाई पता चल जाएगा, तो 4a हो जाएगा, 4a इसलिए हो जाएगा क्योंकि a, 4a, तो 4a हो गया ना, चारों को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, और इसमें परिमिति में हमेशा यदि सेंटीमीटर में दिया रहे तो सेंटीमीटर ही रहेगा, मीटर में रहे तो मीटर ही रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, सेंटीमीटर में दे रहा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको याद रखिए। देखिए तो अब यहाँ पे बेसिक, ये दोनों आर पर वाले दोनों बेसिक में आते हैं, जो कि इससे हम वाती बोलते, कन्फ्यूज हमें ये करता है, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे समचतुर्भुज के ऊपर, तो देखिए समचतुर्भुज, हालांकि इसकी भी दो भुजाएं, अब सोचते हैं कभी कभी कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, नहीं ये तो चारों बराबर है, सम की अभी बात नहीं करेंगे, समानांतर की पहले बात कर लेते हैं, ये समानांतर जो है आयत से संबंध रखता है, ठीक है, तो आयत की भी आयन में सामने की भुजा बराबर होती है, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है, तो क्या सेम यही फॉर्मूला इसमें लगेगा, नहीं सेम इस फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसकी आकृति जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, और क्षेत्रमिति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी शेप रखता है कि इसका शेप किस प्रकार का बन रहा है, तो यहाँ पे आकृति में परिवर्तन आ गया है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा, उस फॉर्मूला से यदि हम निकालते हैं तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ तक का निकल जाएगा, यहाँ तक का निकल जाएगा, जबकि ये पार्ट हमें हटा के चलना है, तो इसलिए इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों भुजाओं के जो ये आमने सामने की जो दोनों लंबाई वाले भुजाएं हैं, ये दोनों के बीच की माप को हम हाइट कहते हैं, बस एक इसकी माप निकल जाए और फिर बाकी इस बेस की माप निकल जाए, बस इसकी एरिया वही होती है, बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, बस इसी की फर इसी को मल्टीपल करने से इसकी क्षेत्रफल, ये पूरे पार्ट की क्षेत्रफल निकल जाती है। और बाकी रही बात वही परिमिति की, तो परिमिति तो सेम है, चारों भुजाओं को कहीं भी परिमिति हो गया तो उससे ये समझ जाएगी किनारों का जो वही परिमिति होता है, तो इसकी परिमिति की फॉर्मूला वैसा जो जो जितने जितने माप की भुजा दिया रहा है वही सेम हो जाएगा, ठीक है,
इस सबके क्षेत्रफल के ऊपर ही बात करेंगे। अब रही दूसरी बात, यहाँ पे सम चतुर्भुज। देखिए सम का मतलब ये होता है बराबर, ये सम चतुर्भुज है, चारों भुजा इसकी बराबर है, लेकिन इसकी आकृति जो है टेढ़ी है। ये संबंध रखता है वर्ग से, ठीक है। तो इसकी भी फॉर्मूला, तो वही सेम इसमें भी यदि हम सोचे कि सेम इसके जैसा फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम यदि करते हैं तो ये कोण वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरा, यानी कि सीधा में वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका शेप हमें थोड़ा तिरछा है। तो देखिए फॉर्मूला जो भी बनता है वो विशेष शोध करने के बाद में बनता है, प्रूफ उसकी होती है। तो ये फॉर्मूला जो है कि यहाँ पे इसको इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ऐसे विकर्ण इसके जो है कि तिरछा तिरछे इस माप को विकर्ण कहते हैं, तिरछे कोणों की, और दोनों विकर्ण की लंबाई पता कर लिया जाता है। इस तरह की यदि शेप दिखाई दे तो दोनों विकर्ण को माप लिया जाएगा, और इन दोनों की जो लंबाई होगी ये दोनों लंबाई के गुणनफल के आधा इसका क्षेत्रफल होता है। अर्थात यू कहें तो 1/2, मानिए इस विकर्ण को यदि D1 मानते हैं और इस विकर्ण को D2 मानते हैं, तो ये दोनों लंबाई को जो है हम गुना कर देंगे 1/2 × D1 × D2, ठीक है। या फिर इसे ABCD भुजा मान लें तो इसे फिर 1/2 और विकर्ण DB DB × AC, ठीक है। यानी कि ये तिरछा तिरछी की लंबाई के गुणनफल के आधा को इसका क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो हम ये फिगर इसलिए बनाए हैं कि सबके नाम के अनुसार अब फिगर को बनाना पहले सीख लें, ठीक है। सेम अब बच गया क्षेत्रफल की, एक और बात कर ले, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज एक बच जाता है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज भी काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये आधार से इसका ताल्लुक नहीं रहता है, ये दोनों की लंबाई में अंतर हो जाती है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, इसमें भी आधार के इस भुजा को, इसको मान लीजिए, इस भुजा को यदि हम A1 मानते हैं और इसे A2 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों भुजाओं को हम यदि जोड़ दें A1 + A2, ठीक है, और उसके बाद इस दोनों के बीच की दूरी यानी हाइट को हम माप लें (h), तो यही हो जाता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि हम इसे ABCD मान के चले तो उसको हम क्या करेंगे, 1/2 × AB। देखिए फार्मूला अलग अलग लिखने के कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। AB × DC, ठीक है, और × h ये हाइट, ये यानी कि दोनों आमने सामने की, ये आधार की सामने की भुजाओं की योग्य और × हाइट के तीनों के गुणनफल, ये सॉरी यहाँ पे योग होगा, हाँ, इसके योग्य और हाइट के गुणनफल के आधा को समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमने यहाँ पे चतुर्भुज के पांचों प्रकार के शेप के क्षेत्रफल को आसानी से समझ लिया। और अब रह जाती है यहाँ पे एक विकर्ण निकालना, वर्ग का विकर्ण और आयत का विकर्ण, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे तो बेसिक पे हमने चर्चा की, अब विकर्ण पे एक चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे दोनों का ही विकर्ण देखेंगे, एक तो आयत और वर्ग, ठीक है, और दोनों के फिगर आप समझ ही गए होंगे कि आयत की फिगर क्या होगी यहाँ पे, इसलिए मैंने उससे हटके नए पेज में किया कि आप फिगर को कम से कम मन में लाएंगे। ये हो गया आयत, और वर्ग की क्या होती है कि चारों ही भुजा बराबर माप की होगी, ठीक है, ये हो गया वर्ग, ठीक है। और विकर्ण इसी को बोलते हैं, ये विकर्ण हो गया और इसका ये विकर्ण हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लंबाई इसको बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। तो क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई माने थे, तो विकर्ण सेम होता है इसकी लंबाई स्क्वायर जोड़ आधा चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि √L² + B² जो होता है कि आयत का विकर्ण होता है। अब वर्ग की विकर्ण की यदि बात कर लें, वर्ग की विकर्ण जो होता है कि यहाँ पे √2, देखिए कहीं ना कहीं ये प्रूफ पे ये सब आए हुए होते हैं, इसकी प्रूफ यदि करेंगे थोड़ा लंबा होगा, लेकिन फिलहाल इसकी आप इसको आप मन में बैठा लीजिएगा, थोड़ी सी कोई खास कठिन नहीं है। ये तो तीनों बराबर ही होता है,
कहने का मतलब इसमें एल और बी की झंझट तो है ही नहीं, पूरी की पूरी बराबर है, तो रूट अंडर टू इंटू भुजा, बस ये इसका विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। या फिर क्षेत्रफल कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं ऐसा ही मिल जाता है कि क्षेत्रफल गिवेन होता है, तो उस परिस्थिति में यदि विकर्ण निकालना होता है तो रूट अंडर दोनों का ही टू इंटू क्षेत्रफल कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों का ही रूट में करने के बाद विकर्ण निकल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, तो इस तरह से आराम से विकर्ण निकल जाती है। ठीक है।